हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू ज्ञानवी जी जे। आज हम पार्ट 15 यूनिट 14 लेकर आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओलंपिक मैथलीट कंपटीशन। देयर वर 8 कंटेस्टेंट हु कम्पीटेड इन द ओलंपिक मैथलीट कंपटीशन। ये 8 कंटेस्टेंट्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट करा था इस कंपटीशन में। उनके नाम दिए हुए हैं और उन्हें ABCDEFGH से साइन अप करा हुआ है। There are 3 medals available. अब उनको कितने medals मिल सकते हैं? Gold, silver या bronze. Each medal is awarded to one student. ये point important है कि each medal is awarded to one student. हर medal एक student को एक ही medal मिलेगा इस तरीके। Each medal is awarded to one student only. The gold medal being question क्या है? Gold medal being awarded first in the ceremony. How many candidates are there for the gold medal? अब इन बच्चों में से एक को एक ही मेडल मिलने वाला है। Each medal is awarded to one student. तो अब ये कितने स्टूडेंट्स हैं? 8 स्टूडेंट्स हैं। तो how many candidates are there for the gold medal? गोल्ड मेडल के लिए कितने कैंडिडेट्स होंगे? 8, क्योंकि 8 स्टूडेंट्स हैं। तो फिर वंस द गोल्ड मेडल इज अवॉर्डेड हाउ मेनी कैंडिडेट्स आर देयर फॉर द सिल्वर मेडल। समझिए, आप एक स्टूडेंट निकल गया जिसको एक गोल्ड मेडल अवार्ड हो गया, तो बाकी कितने बचेंगे? 7। वंस द गोल्ड मेडल एंड सिल्वर मेडल्स आर अवॉर्डेड हाउ मेनी कैंडिडेट्स आर देयर फॉर द ब्रॉन्ज। अब ये सिल्वर भी निकल गया तो अब कितने स्टूडेंट्स बचे हैं? 6। तो रिमेनिंग कितने हो गए? 6। तो गोल्ड मेडल वाले 8 स्टूडेंट हो गए, सिल्वर मेडल तब 7, और जब गोल्ड और सिल्वर निकल गया तो हाउ मेनी कैंडिडेट्स आर देयर फॉर द ब्रॉन्ज मेडल। ब्रॉन्ज मेडल 6 में से ही एक को मिलेगा। इन हाउ मेनी वेज कैन वी अवार्ड द मेडल्स अमंग द 8 कंटेस्टेंट्स। 8 कंटेस्टेंट्स में किसको कितने मेडल्स मिल सकते हैं और कैसे चूज कर सकते हैं? तो कैसे होता है? 8 कंटेस्टेंट्स हैं, उनमें से हमें सिर्फ 3 ही पीपल चूज करना है। अब वो चॉइसेस कैसे हो सकती है वो हमें देखना है। तो हमें 8 में से 3 ही कंटेस्टेंट्स को चूज करना है। हो सकता है कि फर्स्ट वाले को गोल्ड मेडल मिले, हो सकता है कि वो ब्रॉन्ज मिले, हो सकता है सिल्वर, तो उसके पास भी 3 ऑप्शंस हैं। अब टू डू दिस वी स्टार्ट विथ ऑल द ऑप्शंस। कैसे करेंगे? पहला हो जाएगा 8, फिर दूसरा हो जाएगा 7 और थर्ड हो जाएगा 6। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे सारे ऑप्शंस आ जाएंगे जो हमें चूज करना है इस मेडल्स के लिए। मतलब इन हाउ मेनी वेज कैन वी अवार्ड द मेडल्स। तो ये आपके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला सम है, वो थोड़ा सा हायर है, अभी आपको नहीं आया है, पर आपको फाइंड आउट करने के लिए आपको सिंपल यही करना है। अगर फर्स्ट को 8 कंटेस्टेंट्स थे, 8 में से एक को मिला है, फिर 7 कंटेस्टेंट थे, मतलब क्योंकि एक आपने पहले ही निकाल लिया है, तो बचे कितने स्टूडेंट्स? 7 स्टूडेंट्स बचे। फिर इसमें से 2 हट चुके हैं 8 में से, तो अब लास्ट में कितना बचेगा? 6। तो इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे जो टोटल कंटेस्टेंट्स में से जो टोटल परम्यूटेशंस बन सकते हैं वो हो जाएंगे, या कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं वो हो जाएंगे 3, 5, 6। अब हम इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ लेते हैं। लॉट्स ऑफ पीपल एक्सेप्ट दैट द मेडल फॉर्म एंड कंटेंट वॉज इन्वेंटेड बाय द इटालियन पेंटर एंटोनिया पिसानो कॉल्ड पिसानेलो। द गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज ओलंपिक मेडल्स वर फर्स्ट यूज एट 1904 समर ओलंपिक्स। एट वन टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडल्स वर रियल सॉलिड गोल्ड। अ सॉलिड गोल्ड मेडल वॉज अवॉर्डेड एट the 1912 Stockholm Olympics for the last time. After that, gold medals were made of sterling silver that were plated with gold. अब gold medals में pure gold नहीं रहता है, अब वो plated रहते हैं। In 1904 में summer Olympics में first medals दिए गए थे। In 1912 तक real gold का दिया जाता था, उसके बाद अब plated gold के ही मेडल्स दिए जाते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेकर आऊंगी मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानवी जीजे।